फ्रेंड्स माय नेम इज चांद कुबा एंड वेलकम टू माय चैनल इन दिस न्यू सीरीज दैट वी आर गोइंग टू बिगिन टुडे वी विल बी स्टडिंग एन बुक्स फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ सबसे पहले तो हमें एन बुक्स को पढ़ना क्यों है देखिए दोस्तों जब हम यू की तैयारी कर रहे होते हैं तो वी विल बी स्टडिंग लॉट ऑफ एडवांस्ड बुक्स बट बिफोर वी गो टू दो एडवांस बुक्स वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉग फाउंडेशन और हमारी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और वो जो भी बेसिक्स हैं हम अपनी एन बुक्स के द्वारा क्लियर करके चलते हैं सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट बुक दैट इज़ क्लास सिक्स आर पास पार्ट वन इस सीरीज़ में हमें तीन बुक्स देखने को मिलेंगी आर पास पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री जो पार्ट वन है इट बिलोंग्स टू क्लास सिक्सथ और उसमें हम एंशियट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं पार्ट टू बिलोंग्स टू क्लास सेवन्थ और उसमें जो है हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे पार्ट थ्री बिलोंग्स टू क्लास एट और उसमें जो हम मिडी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले राइट सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट बुक दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री नाउ बिफोर वी बिगिन विद द एंशंट हिस्ट्री हमें हिस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी है जिसमें मैंने कहा कि हिस्ट्री इज़ क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट विच इंक्लूड्स कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट आज हम 2021 में जी रहे हैं राइट ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं वो सब हमारा पास्ट बन चुके हैं अब वो सब सबके सब इवेंट्स जो हैं एक सीक्वेंस में हुए हैं राइट right? उसी सीक्वेंस में उन इवेंट्स को पढ़ना इज हिस्ट्री जैसे कि सबसे पहले स्टोन एज आया स्टोन एज के बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलता है उसके बाद हमें वैदिक एज देखने को मिलता है देन कम्स से कम देन मौर्यन एज एंड सोन राइट इन सभी इवेंट्स को इसी सीक्वेंस में पढ़ना और उन सोसाइटीज़ के बारे में जानना इज हिस्ट्री इसी डेफिनेशन में मैंने कहा कि देर आर फोर स्टेप्स इन वाइल स्टडिंग हिस्ट्री दैट इज़ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन द फर्स्ट स्टेप इज़ कलेक्शन हम अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको पुरातत्व के या उनको एशियंट हिस्ट्री के कुछ अवशेष मिलते रहते हैं राइट चाहे वो बुक्स मिलें चाहे वो नॉन लिटरेरी सोर्सेज मिले अब ये जितने भी अवशेष या जितने भी एविडेंसेज मिलते हैं दैट इज़ द फस्ट स्टेप टूवर्ड्स

राइट बिल्डिंग्स हों या फिर इंस्क्रिप्शंस हों ये सब इसमें आ जाता है नाउ ये जितने भी सोर्सेज हैं इन सोर्सेज की हेल्प से हम अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज नाउ द सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग दीज रिसोर्सेज लेट्स अंडरस्टैंड दिस लेट से हमें या हमारे हिस्टोरियंस को बहुत सारे कोइंस मिले अब वो कॉइंस किस किस एज को बिलोंग करते हैं और उस एज में सबसे पहले कौन सी एज आई उसके बाद कौन सी एज आई इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री राइट लेट्स से देर आर सेवरल कोइंस फाउंड बाय आर हिस्टोरियंस वो लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला जो कॉइन है वो कौन सा आया उसके बाद कौन सा कॉइन आया फिर कौन सा आया एंड सो ऑन द थर्ड स्टेप इज प्रेजेंटेशन ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ये जितने भी एविडेंसेस होते हैं उनको रिपोर्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं सो so दैट जो उनके पीयर ग्रुप्स होते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाएँ या उन रिसोर्स को जो उन्हें मिले हैं उसको समझ पाएँ और उसे पढ़ पाएँ राइट द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज़ इंटरप्रटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन नाउ इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लेट से इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे ब्रॉन्स uh, के स्टैचूज मिले ये तो हमें सबको पता ही है राइट right? नाउ ये जो ब्रॉन्स के स्टैचूज हैं इनको पढ़कर या इनको देखकर हमें क्या समझ आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दैट इज़ इंटरप्रटेशन फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत ही फेमस स्टैचू हमें देखने को मिलता है दैट इज ऑफ डांसिंग गर्ल राइट डांसिंग गर्ल जो है वो त्रिभंगा पोस्टर में उनको दिखाया गया है उसके राइट हैंड साइड में या राइट right हैंड में एक ब्रेसलेट डाला हुआ दिखाया गया है लेफ्ट हैंड में बहुत सारी बैंगल्स दिखाई गई हेयर के जो हेयर स्टाइल है वो एक बन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है नाउ इस स्टैचू को देखकर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है सबसे पहले तो ये कि जो हड़प्पन वैली के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ब्रॉन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे दूसरी इंटरप्रटेशन ये है कि आर्ट ऑफ स्टैचू मेकिंग या आर्ट ऑफ मूर्ति कला जिसको हम बोलते हैं स्टैचू मेकिंग वॉज़ अवेलेबल और प्रेजेंट इन दैट सिविलाइजेशन तीसरी बात ये कि क्योंकि इस गर्ल को उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी डाले हुए दिखाया गया है दैट मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग ऑर्नामेंट्स वॉज अगेन देयर ठीक है ऑर्नामेंट्स को बनाने की जो कला है वो भी उस टाइम पे आ चुकी थी इसी के साथ साथ बिकॉज पीपल वर वियरिंग ज्वेलरी तो वहाँ पर सेंस ऑफ फैशन वॉज देयर सेंस ऑफ फैशन लोगों को फैशन की समझ आ चुकी थी इसी के साथ साथ ये जो गर्ल है इनको त्रिभंगा पोस्चर में दिखाया गया है दैट इज़ थ्री बेंट पोस्चर वो क्या होता है उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे अब बिकॉज शी हैज़ बीन शोन इन थ्री बेंट पोस्चर और थ्री भंगा पोस्चर दैट मीन्स आर्ट ऑफ डांसिंग वॉज देयर लोगों को डांस या नृत्य कला के बारे में वहाँ पर समझ थी अब डांस जो है विदाउट म्यूज़िक इट कैन नॉट बी पॉसिबल सो वी इंटरप्रेट या हम समझते हैं कि म्यूज़िक या गायन की जो कला है वो भी उस टाइम पर आ चुकी थी नाउ दिस इज़ हाउ इंटरप्रिटेशन वर्क्स नो बिफोर वी स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर हमें सभी चैप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है देखिए फ्रेंड्स खासकर हिस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी बात हमें समझनी चाहिए कि जब हम हिस्ट्री की बुक को उठा रहे हैं और उस बुक को फ्रेगमेंटेड वे में पढ़ते हैं तो वो जो चैप्टर्स हैं इंडिविजुअली समझने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बट जब हम उस बुक को उठाकर उस बुक का इंडेक्स समझते हैं और ये देखते हैं कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है जैसे कि चैप्टर वन दैट टॉक्स अबाउट सोर्सेज कि हमें इस बुक में जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है या जो हमारे सोर्सेज ऑफ़ इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आते हैं इसी के साथ साथ इस चैप्टर में और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें की गई हैं बट दीज आर ऑल ऑफ बेसिक नेचर राइट चैप्टर टू से चैप्टर इलेवन तक हम जब पढ़ते हैं सो वी फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप ये अपनी स्क्रीन पर ये जो ऊपर सीरीज या सीक्वेंस देख पा रहे हैं कुछ इसी सीक्वेंस में हमें ये सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें हम सबसे पहले स्टोन एज की बात करेंगे फिर इंडस वैली की बात करेंगे फिर वैदिक एज देन एज ऑफ महाजनपदाज मौर्यन एज पोस्ट मौरियन एज गुप्ता एज एंड हर्षवर्धनाज एज राइट सो इन्हीं सभी सीक्वेंस को या इन्हीं सभी इवेंट्स को हम इन अ सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं इस बुक में ये तो थी बात नॉर्थ इंडिया की इसी के साथ साथ आप ये जो ब्लू कलर में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दैट दैट इज द सीक्वेंस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री इसमें सबसे पहले आप देखते हैं मेगालिथिक एज एज आई दैट वॉज पैलल टू वैदिक एज एंड द एज ऑफ महाजन इसी के बाद हम देखते हैं संगम एज का आना होता है दैट इज द पैलल एज ऑफ मॉरियन एज एंड पोस्ट मॉरियन एज षवर्धना right? एक बार दोबारा हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं इंडेक्स में देखते हैं कि यह सब कैसे वहां पर लागू होता है चैप्टर टू दैट टॉक्स अबाउट हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्टोन एज राइट स्टोन एज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बाद जो है हम आई वी सी यहाँ पर आप देख पा रहे हो होंगे कि इन द अर्एस्ट सिटीज़ दैट मीन्स आई वी सी चैप्टर फ़ोर टॉक्स अबाउट वैदिक एज चैप्टर फाइव टॉक्स अबाउट एज ऑफ महाजनपदार्ज चैप्टर सिक्स टॉक्स अबाउट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बुद्धिज़म एंड जैनिज़्म देखिए ये जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म था दैट वाज द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफ चैप्टर फाइव और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफ महाजनपदास सो हम यहाँ पर उसी के साथ ही इसके बारे में बात करने वाले हैं चैप्टर सेवन टॉक्स अबाउट अशोका और द मौरियन एम्पायर देखिए देर वारिक्सटीन महाजनपदास वो तो हमें क्लियर है सिक्सटीन में से एक जो महाजनपद था वो बहुत बड़ा हो गया साइज में और अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसे हम बाद में मगधन एम्पायर या मौरन एम्पायर के नाम से जानने लगे जो चैप्टर्स एट है दैट विल बी टॉकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया सबसे पहले गांव कैसे बनते हैं उन गांव के बारे में बात की जाती है फिर शहर कैसे बनते हैं सो विलेज टू अरबन सेंटर्स या विलेज टू टाउन्स इसके बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे चैप्टर नाइन टॉक्स अबाउट बेसिकली द ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स बेसिकली ये पोस्ट मोरियन एज की बात की जा रही है पोस्ट मोरियन एज में हमें देखने को मिलता है कि जो साउथ इंडिया था वहाँ पर रोमन ट्रेड या ट्रेड विद रोम वॉज़ वेरी फ्लरिशिंग राइट right? बहुत सारा गोल्ड जो है रोम से इंडिया में आ रहा था और बहुत सारा मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा था टुवर्ड्स रोम इसी के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे किंग्स जो हैं फॉरेन लैंड से इंडिया में आ रहे थे राइट चैप्टर टेन विल बी टॉकिंग अबाउट गुप्ता एज एंड एज ऑफ हर्षवर्धना एंड चैप्टर इलेवन इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वेर विल बी टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर ऑफ ऑल दीज पीरियड्स राइट सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी बुक फॉर एस सबसे पहले हमें एक जो ज़रूरी बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि हिस्ट्री टफ नहीं है हिस्ट्री को पढ़ने का नज़रिया होना चाहिए राइट right? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ कि हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो आज की लाइफ से हिंट्स उठाने की ज़रूरत है जैसे कि हम आज खाना खाते हैं राइट वी वी ईट सम फूड तो हमें यही देखना है कि आज हम खाना खा रहे हैं आज से पहले जो स्टोन एज आई थी वहाँ के लोग क्या खाना खाते थे या ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ के लोग किस तरह का खाना खाते थे उनके खाने का सोर्स क्या था राइट right? इसी तरह से आज हम कपड़े डाल रहे हैं ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग जो है कपड़े किस तरह से डालते थे किस तरह के कपड़े डालते थे आज जो है हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं उस टाइम पर कैसी बिल्डिंग्स थी आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पर कैसी टेक्नोलॉजी थी आज हमारी इकॉनॉमी जो है उसको हम थ्री सेक्टर्स में डिवाइड करके चलते हैं तो पास्ट में हमारी जो इकॉनॉमी रही होगी या ड्यूरिंग वैदिक एज इकॉनमी रही होगी या महाजनपदास के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन रही होगी राइट सो दिस इज़ हाउ वी टेक हिंट्स फ्रॉम द प्रेजेंट एंड अप्लाई दैम इन द पास्ट हम पास्ट से ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि बताओ भाई तुम्हारी इकोनॉमी कैसी थी राइट एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज वॉट वेयर हाउ एंड वेन सी यू देन